सोना आखिर सोना ही होता है। वह सिर्फ महिलाओं को ही नहीं आदिकाल से पुरुषों को भी आकर्षित करता रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल से सोना बनाने के लिए लोगों के द्वारा अनेकानेक प्रयोग किए जाते रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रयोगों और विधियों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। बौद्ध धर्म का एक चर्चित ग्रंथ है रस रत्नाकर, जिसके लेखक नागार्जुन माने जाते हैं। इस ग्रंथ में एक जगह पर रोचक वर्णन है, जिसमें शालिवाहन और वट यक्षिणी के बीच रोचक संवाद है। शालिवाहन यक्षिणी से कहता है, हे देवी, मैंने ये स्वर्ण और रत्न तुझ पर नौछावर किए, अब मुझे आदेश दो। शालिवाहन की बात सुनकर यक्षिणी कहती है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वे विधियाँ बताऊंगी जिनको मांडव्य ने सिद्ध किया है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे योग बताऊंगी जिनसे सिद्ध किए हुए पारे से तांबा और सीसा जैसी धातुएं सोने में बदल जाती हैं। शायद रस रत्नाकर जैसी पुस्तकों का ही असर रहा है कि भारत में आम जनता में इस विद्या को लेकर काफी उत्साह रहा है। लोक कथाओं और किंवदंतियों में ऐसे अनेक किस्से सुनने को मिलते हैं जिसमें सोना बनाने का वर्णन आया है। ऐसा ही एक किस्सा विक्रमादित्य के राज्य में रहने वाले व्याड़ी नाम के एक व्यक्ति का है, जिसने सोना बनाने की विद्या जानने के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा ही एक किस्सा तारबीज और हेमबीज का भी है। कहा जाता है कि ये वे पदार्थ हैं जिनसे कीमियागर लोग सामान्य पदार्थों से चांदी और सोने का निर्माण कर लिया करते थे। इसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनने को मिलती है। इस विद्या को हेमवती विद्या के नाम से भी जाना जाता है। सोने के प्रति आम आदमी की जबरदस्त भूख का फायदा उठाकर कई कीमियागर अक्सर लोगों को बेवकूफ भी बनाते रहे हैं। अक्सर ऐसे लोग किसी अनजान शहर में पहुंचकर मजमा लगाकर सोने बनाने की विधि का प्रदर्शन करते थे। ऐसा करते समय वे एक बड़े से कड़ाह में तमाम तरह के पदार्थों को मिलाकर पकाते रहते थे और उसे चलाने के लिए अंदर से खोखली छड़ का प्रयोग करते थे। वे अपनी छड़ में सोने की कुछ मात्रा मिलाकर उसे मोम से भर देते थे। गर्म खोलते पदार्थ में जब वह छड़ चलाई जाती थी तो उसमें जमा सोना निकलकर कढ़ाई में ऊपर आ जाता था और लोग यह समझते थे कि सचमुच कीमियागर ने सोने का निर्माण किया है। 15वीं सदी में गिलीज द लॉवेल नामक एक ऐसा स्वर्ण पिपासु व्यक्ति हुआ है जिसे सोना बनाने की विद्या जानने के लिए पागलपन की सीमा को भी लांघ दिया था। कहा जाता है कि उसे किसी तांत्रिक ने बता दिया था कि यदि वह छोटे बच्चे की बलि चढ़ाए तो शैतान की देवी उस पर प्रसन्न होकर उसे फिलोसफर्स स्टोन का पता बता सकती हैं। लॉवेल के इन अमानवीय कृत्यों के कारण उसे 1440 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया था। सोना बनाने के जितने भी किस्से और विधाएं सुनने में आती हैं, वे सभी तर्कहीन और मानव मन की उड़ान ही है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि सोना हर काल हर समय में बहुमूल्य धातु रही है और अधिकांश मनुष्य बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। मनुष्यों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर चालाक और धूर्त लोग पारस पत्थर और रहस्यमय विद्या के नाम पर आम जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं, जबकि सच सभी लोग जानते हैं कि न तो ऐसी वस्तु कहीं पर है, यह सिर्फ कल्पना और किस्सों में ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।